एडवोकेट भानु प्रताप जी, और मैं उनसे जानना चाहूंगा कि ये जो सरकार जो अपनी मनमानी कर रही है और ये इतने सारे बलात्कार करवा रही है, उत्पीड़न करवा रही है, ये कब तक चलेगा सर? देखिए, जब तक चलेगा जब तक जनता इकट्ठे होके, जैसे आज यहाँ पर लोग इकट्ठे हैं इतनी बड़ी संख्या में जंतर मंतर पर, इसी तरह से पूरे देश में जब तक जन आंदोलन नहीं चलेगा, और ये जो भाजपा की सरकारें हैं, चाहे राज्य में हों और चाहे केंद्र में हो, इनको जब तक सरकार जो जनता है हटा नहीं देगी, इनकी सत्ता से हटा नहीं देगी, तब तक ये सब कुछ चलता रहेगा। क्यों? कानून आप देखेंगे, निर्भया कांड के बाद में इतने बड़े कानून बने, इतने कड़े कानून बने, उस सब के बावजूद भी लगातार चल रहा है। तो साफ जाहिर है कि कानून में कमी नहीं है, कमी है कानून के इम्प्लीमेंटेशन में। कानून किस तरह से लागू होना चाहिए, कितनी ईमानदारी से लागू किया जाना चाहिए, कितनी संवेदनशीलता के साथ में लागू किया जाना चाहिए, ये शासन प्रशासन को समझना चाहिए। लेकिन शासन में और प्रशासन में जब आपराधिक छवि के लोग बैठे हैं, और पुलिस प्रशासन से जो गलत होगा उसे करवाएंगे, तो तब ये अपराध कहां से रुकेंगे? आप इसी केस के विषय में देख लें कि पहले तो इसकी FIR नहीं लिखी गई, जब हल्ला मचा तब FIR लिखी गई, और उसके बाद में लड़की का बयान भी 9 दिन बाद लिया गया, और उसको जब इतनी बुरी हालत हो गई है, 15 दिन बाद उस लड़की को यहाँ पर शिफ्ट किया गया दिल्ली। पहले ही दिन जिस समय वो लड़की गई थी थाने में, उसकी FIR तभी लिखी जानी थी। सच थी या झूठ थी, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी थी, इन्वेस्टिगेशन का यही मतलब है। और उसके बाद में उस लड़की को तुरंत मेडिकल जो ट्रीटमेंट है वो दिलाने चाहिए था। अब आप इतने दिन बाद लड़की को मेडिकल ट्रीटमेंट मिल रहा है, और आप कह रहे हो कि फॉरेंसिक जो इन्वेस्टिगेशन है, टेस्ट है, उसमें जो है रेप की पुष्टि नहीं है। रेप की पुष्टि के लिए लड़की कह रही है कि गैंग रेप हुआ है, लोगों के नाम बता रही है, इसके बाद किसी की जरूरत नहीं है। और ये जो लड़की का बयान है, ये मरने से पहले का उसका बयान है, जो डाइंग डिक्लेरेशन ट्रीट किया जाता है, इसलिए इसके अलावा किसी और बयान की जरूरत नहीं है। बावजूद इसके पुलिस लगातार कह रही है कि उसके साथ रेप नहीं हुआ, यहाँ तक भी कह रही है कि ना उसकी हड्डी टूटी है, ना कमर की हड्डी टूटी है, ना गर्दन की टूटी है, उसको चोट नहीं है। अगर उसको कुछ भी नहीं है, तो तुमने रात के अंधेरे में उसके परिवार वालों को उसका शव दिए बिना, और जिस रीति से अंतिम संस्कार होता है उसकी उसको अवसर दिए बिना, क्यों आपने जो पेट्रोल डाल के जला दिया, मतलब आपने जलाया भी पेट्रोल डाल के, उसका अपमान किया आपने, एक बलात्कार और किया आपने उस लड़की का। तो ये जो किया, ये शासन और प्रशासन में जब तक ये सारी चीजें होंगी तब तक ये रुकेगा नहीं। ये कब तक ये चलेगा कि जितने भी शूद्र हैं या SC हैं और बहुजन समाज से जितने भी लोग आते हैं, उन्हीं पे ही उत्पीड़न क्यों हो रहा है? देखिए, उसके जो बहुत बड़े कारण हैं, कारण सबसे बड़ा ये है, ये समाज अशिक्षित है, अनपढ़ है, और आर्थिक रूप से भी बुरी तरह से टूटा हुआ है, गरीब समाज है, कमजोर समाज है। और जो इनके नेता हैं, वो नेता अपनी जिम्मेदारियों से भागने वाले हैं, और इस समाज के नाम पर चुन के आते हैं, लेकिन इस समाज के लिए कुछ नहीं करते हैं। वो चाहे MP हो, चाहे MLA हो, वो सारे के सारे जिस पार्टी में, उस पार्टी के बंधुआ मजदूर हैं, उन्हें समाज से कोई लेना देना नहीं है। आप इस पूरे उसमें देख रहे होंगे कि जब से आंदोलन चल रहा है, जनता सड़क पर है, लेकिन कोई भी विधायक, कोई भी सांसद, कोई भी मंत्री, उसकी जुबान से एक शब्द नहीं निकला। क्यों? इसका मतलब यह है कि जो नेता हैं हमारे, या जो MP MLA जिनकी जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से सही तरीके से नहीं निभा रहे, और जनता के प्रति जो उनका कर्तव्य है उससे वो दूर भाग रहे हैं, और वो केवल गुलामी कर रहे हैं जिन पार्टियों में हैं, इसलिए। और तीसरा ये है कि सरकार ने इतनी बुरी हालत कर दी है, समाज बिखरा हुआ है, समाज इकट्ठा नहीं है। समाज में संगठन बहुत है, लेकिन वो सब इकट्ठे नहीं हैं। सब संगठन अगर इकट्ठे होके
जो समाज की बात है उसी पे इकट्ठे हो जाएं, समाज के मसलों पे, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि ये सब कर जाए। मैं अभी आपसे यही सवाल करना चाह रहा था कि आंदोलन बहुत सारे होते हैं और कई सारे लोग बाहर भी निकल के आते हैं, हजारों की तादाद में निकल के आते हैं, पर सरकार को जरा सा भी ट्रस्ट से मच नहीं होती, ऐसा क्यों? देखिए उसका कारण ये है, सरकार जानती है कि पूरा समाज बिखरा हुआ है, पूरा समाज कमजोर है। सरकारों ने यही काम किया। अगर हम माननीय काशीराम जी को पढ़ें तो जो चमचा युग उन्होंने बात करी है वो इसीलिए तो करी है कि समाज में लोग जो हैं वो बटे हुए, बिखरे हुए हैं, एक बात पर इकट्ठे नहीं होते हैं और कोई भी बैठ के ये कोशिश नहीं करते कि ये सब जो हो रहा है ये कैसे रुके। जब हो जाता है जघन्य अपराध उसके बाद में हल्ला मचाते हैं। हम कभी ये कोशिश नहीं करते कि ये सारा का सारा हो ही नहीं, रुके, ये कभी होने की कभी संभावना ना हो, इस पर कभी बैठ कर नहीं करते। सरकार तो करेगी भी नहीं, सरकार को जरूरत भी नहीं है। सरकार तो लोगों को बांट कर रखना चाहती है, कमजोर करके रखना चाहती है और इन्हीं में उलझा रखना चाहती है। लेकिन समाज के जो लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, संगठन हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि मिलके बैठ के बैठे इकट्ठे हों और इस समस्या का परमानेंट हल निकालें। ये कब तक इकट्ठे होंगे और समाज में जो उत्पीड़न हो रहा है ये कब तक रोक? मिलांदर जी ये नहीं कहा जा सकता। मैं समझता हूँ हम सबको, खुद मैं अगर अपनी बात कहूँ तो हमको भी ये कोशिश करनी चाहिए। हमने इसके लिए कॉल भी दी थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सब कोरोना लग गया तो पिछले 6-7 महीने से सब बंद पड़ा है जी। अब यहाँ देखें तो ये भी ये जो खुला है ये कल से खुला है, तभी यहाँ प्रदर्शन भी हो पा रहा, नहीं तो कोई प्रदर्शन भी नहीं था जी। तो अब जैसे स्थिति ये थोड़ा सा कोरोना का ऑफिशियल सरकार ने खोल दिया है, मैं समझता हूँ उसके बाद हम लोग भी कोशिश करेंगे सब मिलकर बैठ के करें और जब समाज की बात हो तो हम उस पर इकट्ठे होकर रणनीति बनाएं, समाज को शिक्षित करें, उसको प्रशिक्षित करें। और मैं ये मानता हूँ कि हम सबको अपनी बच्चियों को एक ट्रेनिंग देनी चाहिए, कम से कम लाठी चलाने की ट्रेनिंग तो हम लोग दे ही सकते हैं और इसके अलावा मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग हो। हालांकि ये काम करना चाहिए सरकार को, स्कूलों में कॉलेजों में बाकायदे ट्रेनिंग होनी चाहिए ताकि किसी भी महिला के साथ, किसी भी बच्ची के साथ, किसी भी धर्म जाति समाज की हो, बेटी तो बेटी है, औरत तो औरत है, उसके किसी के साथ भी कोई भी इस तरह का जघन्य अपराध ना हो सके। लेकिन सरकार कर नहीं रही तो अल्टीमेटली जो लोग हैं, जो माता पिता हैं, उन्हीं को ये सब करना पड़ेगा। इसमें मैं समझता हूँ अगर अभी भी हम लेट होते हैं तो बहुत देर हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। आप पेशे से एडवोकेट हैं और कानून की जानकारी आपको पूरी है, तो मुझे ये बताइए कि इन चारों आरोपियों को क्या सजा मिलनी चाहिए? देखिए सजा तो बहुत सीधी है, कत्ल है और कत्ल भी इतनी बुरी तरह से किया गया है तो फांसी की सजा सीधे सीधे बनती है, क्योंकि रेयर ऑफ रेयरेस्ट ये वो है अपराध। एक तो उसके साथ में चार लोगों ने जो है गैंगरेप किया, फिर उसको बहुत बुरी तरह से मारा पीटा, उसकी जीभ कट गई, उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई है नहीं, तो ये रेयर ऑफ रेयरेस्ट है, तो इसलिए सजा तो उनकी फांसी के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन अब आप ये समझे कि पुलिस जिस तरह से शुरू से लेकर आखिर तक इस सारे मसले में सबूत मिटाने में लगी है और जो अपराध हुआ है उसको झुठलाने में लगी है, वो सारी की सारी चीजें हैं कि जब कोर्ट के सामने जाएगी कितनी एविडेंस होगी, कैसी एविडेंस होगी, किस पे कोर्ट जो वो करेगी। आप देखिए इसकी जो FIR है वो बहुत बाद में लिखी गई, स्टेटमेंट लड़की का 9 दिन बाद लिया गया और उसके बाद में 14-15 दिन बाद यहाँ भेजा गया और अब पुलिस वाले यहाँ तक कि ADGP तक कह रहा कि रेप हुआ नहीं है। कलेक्टर है वो धमका रहा परिवार के लोगों को, ये करा कि मीडिया वाले तो चले जाएंगे 2-4 दिन में, तुम और हमें रहना, इसका मतलब तुम्हें अब हमें रहना तो तेरी गुलामी करके रहेंगे। तो इस तरह से जो डराया जा रहा है शासन प्रशासन द्वारा, और इसके अलावा लड़की को बिना परिवार के लोगों को दिखाए उसका अंतिम संस्कार कर दिया। आप नहीं कह सकते, मैं नहीं कह सकता, और अगर आप देखें तो वो पुलिस वाला भी कह रहा हमें नहीं पता किसको जलाया है जी। तो जब ये स्थिति है कि यही नहीं पता किसको जलाया है और मान लिया जाए कि वो लड़की ही है तो सारे सबूत खत्म कर दिए। अगर उस समय वो लड़की होती, लोग इकट्ठे होते, हो सकता है उसका जो पैनल डॉक्टर्स के माध्यम से, एक बोर्ड बनाए के माध्यम से दोबारा से पोस्टमार्टम कराने की बात होती, वो सारी चीज़ खत्म कर दी उन्होंने। तो सबूतों को पूरी तरह से मिटा दिया गया उसके अंतिम संस्कार के करने के बाद जी। तो ये नहीं पता कि एविडेंस कैसी आएगी और उस एविडेंस के हिसाब से ही कोर्ट चलेगी, क्या होगा कह नहीं सकते। बिल्कुल।
क्या होगा कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि योगी और मोदी सरकार है, यहाँ कुछ भी हो सकता है।